वहीं हिमाचल प्रदेश में अयोग्य करार विधायकों की पेंशन बंद कर दी गई है। ये विधानसभा में पारित एक बिल के बाद हुआ है। हाल ही में कांग्रेस के 6 विधायक अयोग्य घोषित किए गए थे। तो ये सुखविंदर सिंह, माफ कीजिएगा, जो सुक्खू साहब हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो अयोग्य करार दे थे, जो कांग्रेस के विधायक थे जो टूटकर बीजेपी में जाने गए थे, उन सबके ऊपर एक कड़ा प्रहार जरूर किया है। बीडी शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये सीधा सीधा एक वार्निंग के तौर पर कम से कम एक प्रहार किया है मुख्यमंत्री साहब ने। बिल्कुल अंकित, मैं आपको बताऊं, ये जो बिल है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेकर आए थे, और इस पर हालांकि 5 से 6 सदस्य ने चर्चा भी की है, और चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकला है, मुख्य जब विरोध भी हुआ कई बार ये भी कहा गया कि ये जो है अगर इस तरह की जो है बिल लाए गए तो जो एक विधायकों की संस्था है उस पर एक बड़ा प्रहार होगा, कई तरह की बातें आएगी, कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे कि जब जनप्रतिनिधि है, ये विपक्ष के नेता के शब्द है, जब जनप्रतिनिधि इसलिए नहीं है कि वो सैलरी और भत्ते या पेंशन ले। ये विरोध हुआ, 5 से 6 लोगों ने इसका इस चर्चा में भाग भी लिया, विधायकों ने भाग लिया विपक्ष के और पक्ष के, लेकिन मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कहा कि ये किसी भी पार्टी में हो सकता है, चाहे बीजेपी है या कांग्रेस है। अगर मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि जो विधायक कांग्रेस पार्टी के, जिस पार्टी में वो इतने सालों तक विधायक रहे, उनके नहीं हुए तो क्या भारतीय जनता पार्टी के हो गए, ये बड़ा मैसेज पूरे देश भर में देने का प्रयास किया गया। इसी के तहत ये बिल जो है सदन में जो है विधायक वेतन पेंशन और भत्ते 2024 लेकर आए थे, और इसको जो है पारित भी कर दिया गया है, और ये बड़ा प्रयास ये है कि जो 6 विधायक अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाई विधानसभा अध्यक्ष ने किए थे पिछले सेशन के दौरान, जो बदर सेशन हुआ था और यहाँ पर राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई थी, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, उसके बाद से जो है ये चर्चाएं लगातार थी कि कहीं ना कहीं सरकार इनको सबक सिखाएगी, लेकिन बड़ी बात ये है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा से ये जो है ये मैसेज देने का प्रयास पूरे देश भर में है कि जिन विधायकों ने अपने दल बदल करने के बाद भी ये सब कुछ किया, वो पूरे देश में मैसेज जाए। बिल्कुल, अगर आप इस तरह की, और कांग्रेस पार्टी तो इससे काफी भुक्त भोगी रही है, कई राज्यों में कांग्रेस को सरकार से अपने हाथ जो धोने पड़ गए, गवानी पड़ गई सरकार इस तरीके के डिफेक्शंस के बाद, तो क्या इसका एक मैसेज पूरे देश में जाएगा नहीं जाएगा, एक बड़ा सवाल है, लेकिन कम से कम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक पहल की है, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की है उन विधायकों के खिलाफ जिन्होंने उनकी पार्टी को छोड़कर उनकी सरकार को खतरे में डालने की कोशिश की थी।